देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया, जिसमें गरीब जनता को आयुष्मान योजना के तहत 50,000 की स्वास्थ्य लाभ योजना दिए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा सुविधा को लेकर कार्ड बनवाने के लिए जहां घंटों लाइन में लगकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं विभागीय अधिकारी कर्मचारी द्वारा इस योजना में कार्ड बनवाने के नाम पर फीस 30 रुपये, रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर खुलेआम वसूली की जा रही है। इससे जनता में काफ़ी आक्रोश है। सुनाते हैं आपको जनता का हाल। हुआ है हमारा अभी तक इनकी मशीन काम नहीं कर रही, समझे, अब सुबह से ड्यूटी दे रहे हैं, खड़े हैं, मशीन में कमी बता रहे हैं, चल नहीं रही मशीन इनकी। यहाँ पर 2-2 घंटे का समय लग रहा है, या तो यहाँ पर इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ाई जाए बनाने के लिए, और फिर दूसरी बात सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है 30 रुपये लिए जा रहे हैं, सरकारी योजना है, सरकार की योजना है ये, तो इसमें ये 30 रुपये, मैं तो नहीं चाहता कि ये 30 रुपये ऐसा हो, सभी की ये राय है, यहाँ पर जितनी जनता खड़ी है सब यही चाहती है कि ये 30 रुपये देकर दूसरे काम करा जाए। बंद हो जाती है कभी कभी, अब जो सुबह 8 बजे से आ गया उसके बाद से बिल्कुल 11-12 बजे तक यहाँ पर खड़ा है और साइट नहीं चलती है, फिर उसके बाद में वो अपने फिर घर चला जाता है, 8 बजे से लाइन लगती है, ऐसा ये गलत है ना इस चीज़ को। मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये देखती है 30 रुपये की जो योजना चल रही है यहाँ पर दे रहे हैं, ये 30 रुपये खत्म कर दिया जाए और समय से काम हो जाना चाहिए। ये जो कार्ड बनाए जा रहे हैं अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत या आयुष्मान भारत के तहत यहाँ पे कार्ड बनाए जा रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया प्रोग्राम है, लेकिन इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको पूरे उत्तराखंड में लागू किया गया है, तो उस योजना से संबंधित यहाँ कार्ड परिसर में बनाए जाएंगे। एक परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक का लाभ दिया जाएगा, वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में अपना